क्या हुआ मीरा, उदास लग रही? नहीं, मैं तो सिर्फ बुक पढ़ रही हूँ। मैं जानती हूँ तुम हर्ट हो। हर्ट होना बनता भी है। इतना हैंडसम लड़का था, लेकिन इसमें सारा कसूर हुरम का है। ये तुम्हारी खैरख्वाह नहीं है। क्या मतलब है आपका? अब मेरा मतलब तो मेरी बात का वास है। कल की बात के बाद तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ और हमने जो हरकत की वो तुम्हारे लिए कितनी गलत साबित हुई है। हुरम भाभी का इसमें कोई कसूर नहीं है। उनको मैंने कहा था साथ चलने की। मेरा कसूर तो उसका ही है। तुमने कहा मेरे साथ चलें और वो चल दी। देखिए भाभी, ये टॉपिक खत्म हो चुका है, तो बेहतर होगा अगर आप भी इस पर डिस्कशन ना करें। अमीरा, मैं एक साफ बात कहूंगी, जो शायद तुम्हें थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन क्योंकि तुम हारिस की वजह से मुझे अजीज हो तो कहूंगी जरूर। देखो, किसी को भी पता चल जाएगा और चला होगा कि हुरम तुमसे ज्यादा खूबसूरत है। तुम भी बहुत प्यारी हो, लेकिन हुरम की बात तो अलग है ना। और जब उसे पता था कि उससे कम शक्ल नंद का रिश्ता आया है, तो उसे क्या जरूरत थी तुम्हारे साथ जाने की? कोई जरूरत नहीं थी। हमारे यहां जब किसी कबूल सूरत लड़की का रिश्ता आता है, किसी भी खूबसूरत लड़की को इजाजत नहीं होती लड़के वालों के सामने जाने की। अब चाहे वो कुंवारी हो या शादीशुदा, यहां तो बिल्कुल ही उल्टा सिस्टम हो गया। नतीजा तुम्हारे सामने है, देख लो हुरम कितनी सगी है तुम्हारी। भाभी, मैं ना हुरम भाभी को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। उनकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, पर आप प्लीज इस तरह की बातें घर में करके ना माहौल खराब नहीं करें घर का। मुझे वैसे भी वो लड़का अच्छा नहीं लगा था। अगर उन लोगों की तरफ से इनकार ना भी आता तो मैंने इनकार कर देना था।
जितनी तरफदारी करनी है कर ले बेटा, हो आखिर एक दिन आएगा जब आप सब लोगों को इसकी सच्चाई पता चलेगी। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। माँ बाबा कहाँ हैं? वो अपने कमरे में तैयार हो रही हैं। तैयार हो रहे हैं? ओके। कहीं जा रहे हैं क्या ये लोग? आई थिंक मामा बाबा। अरे अरे मामा की प्रिंसेस आई है भाई, साथ में प्रिंस भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। अब लगता है आप लोग कहीं जा रहे हैं, हम गलत वक्त पर आ गए। अरे नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? नहीं नहीं, हम अगर आप लोगों को कोई प्लान है तो उसे स्पॉइल नहीं करना चाहते है ना। आई थिंक वी शुड गो, बट आज कोई स्पेशल डे है क्या? स्पेशल तो है, हम जहाँ तक मुझे याद है आप दोनों में से किसी की बर्थडे नहीं है, ना ही एनिवर्सरी है, तो फिर स्पेशल क्या है? आज हम दोनों की एंगेजमेंट एनिवर्सरी। वो ही सेलिब्रेट करने हम बाहर डिनर पे जा रहे हैं। ऐसे आपका कपल बहुत यूनिक है, क्योंकि मैंने हमेशा वेडिंग एनिवर्सरी का तो जरूर सुना है, बट एंगेजमेंट एनिवर्सरी का आज पहली दफा सुन रहा हूं। वो कादिर क्या है कि सारी जवानी तो हमारी भाग दौड़ में गुजर गई। कभी करियर बनाने में, कभी घर बनाने में, अब इस एज में आकर ये जो हमारी छोटी छोटी खुशियां है ना, उनको सेलिब्रेट करने का अपना ही एक लुत्फ है। हैप्पी एंगेजमेंट एनिवर्सरी। थैंक यू। आप लोग जाएं, अपना टाइम एंजॉय करें, हम सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम तुम दोनों के बगैर जाएं। अब तुम लोग आ ही गए हो तो हमारे साथ तुम भी डिनर पे चलो। अरे नहीं अंकल, हुरम बिल्कुल ठीक कह रही है, आप लोग प्लीज जाएं, अच्छा नहीं लगता। अरे हम कौन सा कोई नए शादीशुदा जोड़े हैं, और वैसे तुम लोग भी हमारे फैमिली मेंबर्स ही हो, साथ में चलो सेलिब्रेट करते हैं, मजा आएगा। सही है, अब तुम दोनों घर जाके दिखाओ, बल्कि हमारे साथ डिनर पे चलो। लेट्स गो, लेट्स गो फॉर डिनर, कम ऑन। अच्छा अच्छा ठीक है। बड़ी अच्छी साड़ी निकाली आपने। थैंक यू। बस बेटा मैंने कभी देखी क्यों नहीं, तुम आती कब हो इतना? अच्छा चले आ जाओ नीचे, इससे पहले आप लोग भी पिक्चर खींचती हो, आ जाए।